खबर जयपुर से है, जहां नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला तिल्दा निविरा क्षेत्र का है, जहां सुधा सोनी नाम की महिला के साथ एक दंपति पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है। पीड़ित का आरोप है कि दंपति ने नौकरी दिलाने के बहाने उससे 3,60,000 रुपये और उसके कागजात लेकर फरार हो गए। वहीं फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें जो रेहाना खान वैष्णव है और उसके पति अभिषेक वैष्णव हैं, उनके द्वारा 3,60,000 रुपये अलग अलग तिथियों में तिल्दा में शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लिया जाना पाया गया। और इसके साथ ही साथ उसको कई फॉर्म भी दिए थे, एक आई कार्ड भी दिया गया था फर्जी। इस प्रकार से प्रकरण में धोखाधड़ी का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध में धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके वैष्णव लिया गया है।